अब खबर बुलंदशहर से। यूपी के बुलंदशहर में थाना डिवाई इलाके में दानपुर गांव के पक्ष मुस्लिम के युवक ने में मामूली विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के विरुद्ध को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के युवक ने उसे दूसरे युवक को ईंट से पीट पीट कर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना की प्रतिक्रिया में युवक के घर में गांव के कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर डाली। गांव में सनसनी फैल गई और दोनों पक्षों में काफी रोष और तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। आला अधिकारी गांव में कैंप किए हुए हैं। पुलिस का दावा है कि हालत काबू में है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और तोड़फोड़ करने वाले युवक की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के थाना डिवाई के गांव दानपुर के देर रात बस ड्राइवर W62 वर्ष घर बाहर रोड पर घूम रहा था, तभी अनीस नाम का युवक उधर आ निकला और आपस में किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि डब्लू ने के सिर पर ईंट वार कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अलीगढ़ मेडिकल इलाज के लिए डब्लू को मौत इसमें ये किसी गांव और इलाके में मातम और रोष का माहौल हो गया और आरोपी युवक के घर तोड़फोड़ कर की गई घटना की सूचना जिले के आला अधिकारी को मिली तो तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए दानपुर में PAC और कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई। इस पूरे मामले में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर से TV न्यूज चैनल के लिए प्रदीप पंडित की स्पेशल रिपोर्ट।